हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे वेज एपेटाइजर क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बस घर में ही हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के साथ हम इसे आसानी से बना सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इन आलूओं को मसलकर बाउल में डालेंगे। अब 4 ब्रेड के स्लाइस की इस तरह से बारीक टुकड़े डालेंगे। सब्जियों के हम इसमें 1 रेड बेल पेपर के बारीक टुकड़े करके डालेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें ग्रीन बेल पेपर या बीट रूट के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब 1 किसा हुआ गाजर डालेंगे। हमने इससे बहुत ही ज़्यादा बारीक कीस लिया है। अब 1/4 कप बारीक कटी हुई हरी प्याज की पत्तियों को डालेंगे। सारी सब्जियाँ डालने के बाद अब सूखे मसालों में 1/2 छोटा चम्मच जीरे की पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ की पाउडर, 1 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई काली मिरी की पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे और ये टोटली ऑप्शनल है। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करेंगे। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मिक्सचर रेडी है। अब हम इनके सेम साइज के बॉल्स बनाएंगे। अब इन्हें बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए इन्हें ब्रेड क्रम से कोटिंग करेंगे। इसी तरह से हम सारे पोटैटो बॉल्स को ब्रेड क्रम से कोटिंग करेंगे। पोटैटो बॉल्स को ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद आप इन्हें फ्रिज में 3 से 4 दिनों तक और डीप फ्रीजर में 10 से 12 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको इन्हें बनाना है तो आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल होने के बाद डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब गरम किए हुए तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसमें मिक्सर का एक बॉल डालकर देखेंगे। अगर ये जला नहीं और तुरंत ही ऊपर आ गया तो आप समझ जाइए कि इन्हें डीप फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर सही से गर्म है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो ये बाहर से बहुत ज़्यादा गहरे सुनहरे रंग के बनेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। लेकिन अगर तेल ज़्यादा गर्म नहीं है तो ये पोटैटो बॉल्स तेल में डालने के बाद फूटने लगेंगे। तेल गर्म होने के बाद इस तेल में जितने हम पोटैटो बॉल्स तल सकते हैं उतने डालेंगे। मैं इन्हें 2 बैचेस में तल रही हूँ। अब इन्हें बिना चम्मच लगाए मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए तलेंगे। 2 मिनट तक एक साइड से मीडियम हाई फ्लेम पर तलने के बाद ये हल्के सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम इन्हें पलटेंगे। अब दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए सुनहरे रंग होने तक तलेंगे। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स को हमने दोनों तरफ से लगभग 4 मिनट के लिए तल लिया है। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर पर रखेंगे जिससे इनमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी वेज एपेटाइजर क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ या शेजवान सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको भी ये बहुत ही आसान और कम चीज़ों में और कम वक्त में बनने वाली क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन क्लिक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज चेक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक और माउथ वाटरिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।